नमस्कार अहम ब्रह्मास्मि उड़िया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड़ मध्यम जानवा कि भागवत मृत्यु समय कहीं पाठ कराए कि लोक भावते कि यदि मृत्यु समय भागवत पाठ करवा तेबे मनुष्यर पाप धोई एवं से मोक्ष मुक्ति निर्वाण प्राप्त करता भावती कि जीवन जाक जिते आम कुकर्म कर जीवन जाक जिते कुकर्ज लिप्त थी जदि अंतिम समय रे भागवत पाठ करवा तेबे कौन हम ना मोक्ष मुक्ति निर्वाण प्राप्त हो पार एम भावती किंतु प्रकृत अर्थ कि जानवा चेष्टा करनी प्रकृत अर्थ जब आम बुझा चेष्टा करवा तेबे जो भागवत आरंभ होता से ही मूलतत्व को जानवा जितेबले परीक्षित राजा सात दिन मध्य मृत्यु हबार थिला सेतेबले से कौन कले ना घर द्वार स्त्री पुत्र समस्त त्याग करी आसी मुनि मानंकु देखा कले मुनि मानंक परामर्श क्रमे से सुखदेव शरण गले एवं सुखदेव को जाई एक कहले कि हे महर्षि सात दिन मध्य मते सर्प दंशन कर मरीजी मोर मृत्यु हब यही कथा जिते बड़े भितरे बारंबार प्रतिध्वनित होता जे मु मरीजी मत सर्प दर्शन कर तो यही मृत्युर भयर मुक्त करने सुक महर्षि ज्ञान तत्व दे जो ज्ञान तत्व पाइबा क्षण ही सुखदेव जापारी प्रकृतरे मोर मृत्यु होबना प्रकृतरे मु मर भी ना से ज्ञान तत्व कौन थिला जिते बड़े से एक कहले ना मोरी मृत्यु हब से सुखदेव कहले तुमर मृत्यु हबना हे महाराजा तुमर मृत्यु हबना मृत्यु हब जदि तुमर ई पार्थिव शरीर को ही हब जो शरीर ए संसार रे कार्य करूला जो शरीर विभिन्न अवस्था दे गति करूला जो शरीर छोटर एपर्तंत तुम साथी रे रही शरीर मृत्युवरण हम हेले जान कि तुम्हें किए से आत्मज्ञान कथा सुखदेव परीक्षित राजा को कही तुम्हें होच आत्मशक्ति तुम्हें जान आत्मशक्ति के मृत्यु ही ना तर विलय ही ना एवं तर जन्म नहीं जेहेतु जन्म मृत्यु ना मर किपर सीए जार उत्पत्ति स्थिति लय कि भी ना से मरब किमी से मरी पार ना एवं तुम्हें जान तुम्हें हौच अमर तुम्हें हौच चिरंदन सत्य तुम्हें हौच जगतर से परम तत्व हेले अज्ञानतरे तुम्हें निज को देह ज्ञान करी एक भावुच कि सर्प मत दंशन करदेव मु मरीजी किंतु एवं जान ल कि सर्प तुमको नुहे तुम शरीर को दंशन कर शरीर मृत्युवरण कर शरीर मृत्यु हेले तुमर मृत्यु ना जान तुम्हें जहाँ खाद्य पेय सबकि जहाँ मध्यम सबकि कर्म करूल से शरीर को सात दिन मध्य सर्पासी दंशन कर तुम्हें जेहेतु हूँ अजर अमर सनातन सबकि तुम्हें तुमर मृत्यु ना यहीपरी ज्ञान तत्व अनेक दे
परीक्षित राजा को सुखदेव मृत्यु भयरु निवारण करिथिले। एहा स्पष्ट भाव रे द्वादश स्कंद पंचम अध्याय रे वर्णना करा जायछि, आपण माने भी पढ़ी पारिबे। सेको सेही मृत्यु भयरु जेते बेले राजा मुक्त होई सारिथिले, सेथि पई भागवतंगु मृत्यु बेले पढ़ा जाए, अर्थ जो व्यक्तिर मृत्युवरण हबो ताकु एही ज्ञान तत्व दिया जीव कि तुमर मृत्यु हेउ नाही। मृत्यु होची तुम शरीर को, जो शरीर ये संसार रे कार्य करूला एवं से पार्थिव शरीर ही मृत्यु हबो, सी तो जन्मचक्र ते घुरुची तहार मृत्यु हबो सुनिश्चित। हेले जान तुमर मृत्यु हेबो नाही, एही ज्ञान तत्व को मल्लाबेले दिया जाए जे ताकु मृत्यु भयरु निवारण करिया। जो मृत्युर डरटा जो भितरे थाए जे मु मरीजी किसी समय मध्य मरीजी मोर मृत्यु हो जो भितरे भयटा चलु थाए से भय को दूर करने भागवत को मला समय शुणा जाए। किंतु किसी लोक एमती हावती कि पढ़ा द्वारा से व्यक्तिर पाप धोईजी एवं से मुख्य मुक्ति निर्माण पाइज। एमती नुह पाप जदि एमती धोई सारी था तेबे संसार पाप पुण्य कहीं था भलमंद कहीं था। शरीर सिना मृत्युवरण करम रही से कर्म को धरी आत्मा पुनर्बार नव शरीर धारण कर शरीर में पूर्वर पुण्य पूर्वर पाप को नहीं से शरीर रे से बुली 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 से पुनर्बार मर्त्यमंडल को आसब एवं पुनर्बार से कर्म फल को भोग कर। कर्मर अंत नाही, कर्मर शेष नाही, से कर्म जी जो परी करिब निश्चिंत से हीपरी से दिने दिने भोग कर। हे तो यही शरीर थिबा बेले से भोग कर पार ना, किंतु परवर्ती शरीर रे से निश्चय भोग कर, एटा सत्य। किंतु मनीष भावे पाप धोईजीव, पाप केमी धोब किए से धोब, धोबा लोक किए से ईश्वर जी से आपण सहित ही अच्छा। आपण कठोर ईश्वर भिन्न नुहति कि ईश्वर आप भिन्न नुहति, तेबे पाप धोब बा किए, पाप धोबा लोक कहीं ना से पाप कर्म को नहीं पुनर्बार शरीर प्रदान कर। पुनर्बार पंचभूत रु नूतन शरीर सृष्टि हम से शरीर को आत्मा पुनर्बार धारण करी से कर्मफल को भोग कर। भागवत आपण मैंने जी पढ़ी थे निहाती भाव जापर थे जी आप भावुले कि पाप धोईजी पाप धोबन आउ जदि भावती कि मुख्य मुक्ति निर्माण कथा तेब एक जाने रखु मोक्ष मुक्ति निर्माण कौन से गोटे बड़ कथा नुह कि कौन से गोटे पद पदवी नुह। मोक्ष मुक्ति निर्माण ये शरीर रे प्राप्त ही करा जाए, कौन से मला बेले नुह जीवित थिला बेले ही प्राप्त करा जाए। जेते बेले आमे निजर ईश्वर तत्व को आम जापर निज स्वरूप को जापर स्वरूप रही प्रत्येक कर्म कर संसार एवं जिते बड़े दया क्षमा शांति आनंद सबकि रही तेबे से ही मुक्ति। जिते बड़े माया संसार मनीष भावे कि मुक्त हो कौन गोटे स्थान को जीवि सेमित कि नुह बास की शरीर केवे तो मुक्ति पाइबनी, मुक्ति पाइब मन से मन जिते बड़े संसार रे भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न वस्तु भिन्न भिन्न व्यक्ति सहित संश्लिष्ट थाए से मुक्त हो ईश्वर जो तत्व रहा ईश्वर तत्व रही संसार कर्म करवा ही प्रकृत मुक्ति अर्थ मुक्त भाव जीवन जापन करवा। स्त्री थाई कि मोह आसुन धन संपत्ति थाई कि लोभ आसुन क्या देखी आकर्षण आसुन से ही मुक्ति।
मुक्ति कहले कौन विराट जिनस नुहे से ही मुक्ति प्राप्त करने को भागवत प्रत्येक अध्याय को पाठ करने को हम कहीं ज्ञान बिना मुक्ति ना ज्ञान अर्जन कले ही गोटे मनीष मुक्ति प्राप्त कर भागवत रे बहुत किसी जिनस बहुत किसी गुढ़ रहस्य लिखा जाए खाली आम शुणी दौचे पढ़ी दौचे तो बास से नुहे भागवत रचना कराई बास कौन पढ़ी शुणी दवाप ना कार्य लगे करा जहाँ लगे द्वारा जीवन सुंदरमय आनंदमय हो पार एवं प्रत्येक समय मनुष्य सुख शांति आनंद रहीपर संसार प्रत्येक कार्य किपरि करवा भागवत लिखा जा घरे किपरि भाव गृहस्थ जीवन जापन करवा जीवन को किपरि भाव काटिबा सब कु आधार करी 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 प्रत्येक अध्याय अमूल्य भाव रचना करा जाए मनुष्य भावे कि पढ़ीदे शुणीदे मुक्ति पढ़ा को एथिपाई करा जाए कि पढ़ले निज जीवन ये आम उपयोग करवा तद्वारा कौन हम ना आमर कार्य शुद्ध हम आम शांति आनंद बचा जीवन रे जो मानविकता भाव बचाप आसी जो मानविकता जाग्रत करने से मानविकता जाग्रत कर संसार बचा एवं से मुक्ति भाव मुक्त भाव जीवन जापन करवा मृत्युर भयर दूरीभूत हो निज परमार्थ रही प्रत्येक कार्य कर अंतिम समय आनंदर सहित मृत्यु को स्वीकार करवा किंतु मनीष आज मृत्यु कथा शुणिले भयभीत हुए कहीं ज्ञान तत्वता भितर प्रवेश करना जब से निज भितर जानव यह ज्ञान तत्व को तेज निश्चित भाव से मृत्यु को डर ना जानव मृत्यु हूँ शरीर मृत्यु मोर नुहे मुझे अजर अमर सनातन शरीर मृत्यु हेले मोर मृत्यु हम ना बुझिपार भागवत पढ़े निज जीवन प्रत्येक समय ज्ञान को उपयोग कर खुशी आनंद जीवन जापन करदि आप बुझीपारती तेरे निहाती भाव आपण गुढ़ रहस्य को जापारी कि मृत्यु बेले कहीं भागवत पढ़ा जाए मृत्यु भयर दूरीभूत करने भागवत पढ़ा जाए ना कि मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर मुक्ति मोक्ष निर्वाण कौन आप जान लें संसार मुक्त भाव रही कौन से जड़ित न हो जीवन जापन करवा ही प्रकृत मुक्ति जदि आप बुझीपारती निहती भाव प्रत्येक दिन भागवत पढ़ात निज जीवन में किसी अंश कार्य लगा जहाद्वारा शांति आनंद जीवन जापन करेंगे मानविकता को जाग्रत कर प्रत्येक कर्म संसार कर आनंद हिसाब से संसार तरी जी रहुची नमस्कार।